मैंने शमीम साहब से बात कर ली है जी, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपका बिल क्लियर हो जाएगा जी। शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। नवीद साहब, नवीद साहब, नवीद साहब, क्या हुआ? ये मेरी जेब देखें जी, ये जरा देखें, ये देखें, कट गई है। तुम्हारी जेब को क्या होना है, तुम तो खुद जेबें काटने वाले हो, टिप नहीं मिली होगी यही ना। नवीद साहब, चौथा दिन हो गया जी, रत्ते नोट की शक्ल ही नहीं देखी जी, शक्ल ही भूलती जा रही। आपकी जेब में है, जरा दिखा दे। ओए हो जाता है बच्चे, यूं भी हो जाता है, मसला क्या है? ये ट्रे मेरे सर में मारे जी, 8, 9 और 11 के अलावा कोई गाँव की नहीं जी। मसला बाउनवीद टिप का है। और वो 15 नंबर वाले तो फजल हुसैन साहब, वो तो जी शमीम साहब के चचा है ना जी, वो कोई गाँव थोड़े ही है जी। उनके पास जाए ना जी तो वो तकसीम के वाकयात सुनाना शुरू कर देते हैं जी। बेटा तुम्हें क्या पता ये मुल्क कितनी मुश्किलों से बना, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ तखशुस। वो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, मुल्क बन गया, अब टीआईपी तो ना बंद करो। अच्छा फजूल बातें ना करो, तो फजूल साहब ने 1 घंटा पहले चाय का ऑर्डर दिया था, पूरा करो जाके। चलो नो प्रॉब्लम जी, 1 घंटा बाद चाय पहुंच जाएगी। 1 घंटा बाद क्यों? विदाउट टीआईपी है ना जी। ओए खबरदार है, जो तो फजूल साहब को कोई तकलीफ हो। हाँ हमें भावे तकलीफ हो, मसला तशखुस का है और कुछ नहीं। दरअसल हमारा तशखुस खो गया। सर जी, सर जी क्या खो गया जी? तशखुस। सर जी मैं आपको ढूंढ के देता हूँ जी, 1 मिनट है। आपने किधर रखा था जी, मुझे बताएं। मालूम नहीं, बहसियत काम हमें तलाश करना पड़ेगा। तशखुस सर जी, ये क्या होता है जी? बेटे तशखुस अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त। अच्छा अच्छा, शिनाख्त परेड वो जी शमीम साहब की आज हो रही है ना, मैं उनसे पता कर गया था। सर जी तखशुस को छोड़े जी, सर गरम गरम चाय पिए, ठंडी हो जाएगी जी, और हमें वाद से वाद टिप लेने की इजाजत दें जी। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। क्या ढूंढ रहे? कुछ नहीं सर जी, वो ऐसे ही ना जी, बड़ी औखी सी चीज है वो जी छोड़े जी। वैसे बावनी साहब, किस्मत यू आर वेरी वेरी मेहरबान, आजकल जान रहे पापा। हाँ जी। ओए क्यों है, बाथरूम में पड़ी हीरे की मुट्ठी मिल गई है? बावनी साहब मैं गुमराधा थोड़ा ही हूँ। वैसे बोनवी साहब मजा बड़ा आ रहा है, ये जो गेस्ट हाउस है ना, आज रेस्ट हाउस बना हुआ है, और रैम्बो रैम्बो जान लैम्बो ऑन लॉन्ग लॉन्ग लीव छुट्टी पर है जी। बोनवी साहब टोटल 3 कमरे लगे हुए हैं, वो मैं यूं करके सफाई करता हूँ, उसके बाद वेला लंबा रेस्ट। बोनवी साहब अच्छा नहीं है, जितने कस्टमर होंगे उतना हम ज्यादा आराम करेंगे। ए दुश्मना, मैं फाके मरूं तू खुश हो ले, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। बोनवी साहब जरा मुलाजा फरमाए, देखे ना जी जो बारिश होती है वो बतखों के लिए रहमत और कुकड़ियों के लिए जहमत होती है। वैसे बावनी साहब है तो बारिश ही ना सोचे। फजूल बातें छोड़ो। हाँ जी बात सुनो। क्या बात सुनो? शमीम साहब आजकल फिर मुसीबत में है। छोड़ दे, कोई नई बात है, उनकी तो किस्मत में यही लिखा हुआ है। शमीम तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक दिन का कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ जरा घोड़ा गली तक अपने बीमार मामू की मिजाज पुरसी के लिए, ये बीच में से
ثقافتی شو کہاں سے آ گیا نہیں یہ موسیقیاں یہ ثقافتی پروگرام پھر وہی شک پھر وہی شک ارے بابا وہاں کا اس کا گروپ کا مینیجر میرا دوست ہے بہت پرانا دوست وہ کہنے لگا کہ وہاں گھوڑا گلی میں ملا مجھ سے کہنے لگا کہ مری اور نتھیا گلی میں ناداروں کے لیے ایک چیریٹی شو کر رہا ہے وہ مجھ سے کہنے لگا بھائی تم ایک مشہور فگر ہو تم میرے ساتھ چلو تو میری حوصلہ افزائی ہوگی مشہور فگر مشہور فگر شمیم صاحب صاحب بتاؤ کس چکر میں گئے تھے تم وہاں پہ فور گاڈ سیک بیگم اچھا چلاؤ مت خاموشی سے پردے جرم سنو شمیم یہ آٹھ دن تک کون سا چیریٹی شو ہوتا رہا ارے بابا دو دن تو چیریٹی پروگرام تھا اور اس کے بعد میں وہاں رک گیا تھا وہ مجھے فلو ہو گیا تھا یہاں تمہارے پیچھے پورے گیسٹ ہاؤس کو فلو ہو گیا کیا مطلب گیسٹ ہاؤس کیا جا کے پوچھو نا اپنی انتظامیہ سے چار کمرے نہیں تین کمرے نبی صرف تین کمرے لگے ہوئے سر سات کمروں کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے جی پچھلے تین دن سے جی ایڈوانس بکنگ کیا مطلب سر لاہور میں کوئی ملک قربان صاحب ہیں جی ان کے منشی شوکا نے جی فون پر ایڈوانس بکنگ کروائی ہے تین دن پہلے جی تین دن پہلے ایڈوانس بکنگ کرائی ہے سات کمروں کی اور ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا اور وہ بھی ٹیلی فون پر بکنگ ہوئی ہے ارے ہمارے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے یہ سارا نقصان میں تم سے بھرواؤں گا نہیں سر اس کی آواز بڑی روبدار تھی جی میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آ جائیں گے کون وہ چیریٹی شو والے ارے کبھی تو پیچھا چھوڑ دیا کرو ہماری جان پہ بنی ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور تم فراڈ ہوا سب سے بڑے فراڈ تو تم خود ہی ہو نتھیا گلی امپلائمنٹ ایکسچینج ملاؤ فراڈ امپلائمنٹ ایکسچینج کیوں سر اس لیے کہ میں تمہاری چھٹی کر رہا ہوں نیا مینیجر آئے گا اپنا بوریا بستر باندھو اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ جی امپلائمنٹ ایکسچینج ہلو دیکھے جی سر جی آ گئے مینیجر سر جی آ گئے جی کون آ گئے وہ جی سجن پر دیسی بلم پر دیسی وہ جی لاہور والے پرونے آ گئے آتے ہی 100 روپے کی ٹپ بھی پکڑا دیا جی اس کو ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی میں دوبارہ ٹیلی فون کرتا ہوں جی آپ کو آئیے جی بلے بھائی بلے السلام علیکم بلے بھائی بلے میرا نام شوکا ہے منشی شوکا ہاں وہ لاہور والے بکڑم خود لو جناب بندے گن لو پورے سات نہ ود نہ کٹ میرے سمیت اور سر کمرے بھی تیار ہیں جی پورے سات ود نہ کٹ بلے بھائی بلے مزہ آ گیا کوئی ایڈوانس ایڈوانس جی آپ اس طرح کریں 10,000 روپے ایڈوانس دے دیں باقی باتیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے مزہ آ گیا یہ ہلو جی کڑکڑ کرتے نوٹ جناب نوے نکوڑ سر آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی سر ہمیں کوئی تکلیف پہنچا کے تو دیکھے نہیں میرا مطلب یہ کہ سر آپ یہاں بہت خوش رہیں گے سر میں خوش رہا تھا نہیں سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر آپ یہاں کس سلسلے میں آئے آپ کا تعلق سیاست سے کوئی حلف وغیرہ اٹھانے کے لیے آئے نا اوئے بہو اوئے کون بندہ ہے بھائی جو ہمارے چودھری صاحب کے ساتھ فرینک ہوتا جا رہا ہے ہمارے چودھری صاحب نے کبھی کچھ نہیں اٹھایا جب بھی اٹھایا ہے قرضہ اٹھایا ہے یا پھر بندہ اٹھایا ہے اگر بندہ ہو تب اے رام سے آفٹر کار ماری نائمز رہنبو رہنبو جان رہنبو کاکروچ کلر یہ تڑی شڑی میں ادھر نہیں چلنے دوں گا اے رام سے کیا رام سے روکے ایک منٹ پھر انہیں چاکے وہ جلدی سے ان کے کمروں کو رہنبو مراد دیکھو ان کا سامان 1 سے 7 نمبر کمرے تک پہنچاؤ مہمان ہے ہمارے چلو شاہ چل بھائی کلی بادشاہ آگے لگ بھائی چل خیال کری چودھری صاحب کے پیر کے تھلے نہ آ جائیں چلو چلو کوئی بات نہیں ہاں جی شوکت صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں جی کیوں وہ پتہ تو لکھوائیں لکھو پتہ جناب ہاں جی مکان نمبر 1227/626 چھ سو چھبیس والی لائن تے لگا یار گلی نمبر 11 جی ہاں جی اور لکھو گے مولا کوچا چابک سوارا ہاں جی شالمی لاڈ ٹھیک اور کتنے ٹھیک ہے نام تو لکھا ہی نہیں لکھو جی جی چودھری نیت چودھری نیت ست واری وغیرہ وغیرہ
ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अनायत है? ओए ये मलक कुर्बान की जगह चौधरी अनायत कौन आ गया यार शोके? देख तुझे तेरी शोकन की कसम, सही सही बता, ये जो चौधरी साहब का छोटा भाई है ये वाकई उधर फिल्म साज है लाहौर में? ना तो मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ तेरे साथ, और मैं खुद उनका लाहौर में असिस्टेंट रहा हूँ। अच्छा, पर तू क्यों चू चू कर रहा है? वो यार मैं ना अंदर से बड़ा दुखी हूँ, हमारे गेस्ट हाउस में फिल्म साज भी आए, दैतकार भी आए, फनकार भी आए, वो नहीं होते वो सकाफती तोहफे, वो भी आए थे सारे, पर मुझे किसी ने चानस ही नहीं दिया, सारे कहते थे हम चानस देंगे, झूठे कहेंगे। अच्छा मैं जान तेरा काम मैं कर सकता हूँ। कौन सा काम कर सकता है? कर। ओए हाँ? क्या पता चलाना चाह रहा था? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही जरा। मेरी जान तू लाहौर आ मेरे पास। उधर गुजर बहुत है। अच्छा उधर आ। उनकी मजन हुआ मौज कर। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना शमीम साहब से बड़ी उम्मीद थी, वैसे बेगम साहब जी सही कहती है कंजूस कहेंगे, मैं सोच रहा था कि कटो काट मुझे इस गेस्ट हाउस का ना वो मैनेजर लगा देंगे, पर उन्होंने ना मुझे वेपर मैनेजर से आगे ही नहीं जाने दिया, अगर वो मुझे मैनेजर लगा चुके होते आज ये गेस्ट हाउस ना होता, ये बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो होता, आरजे स्टूडियो। हाँ रैम्बो जीरा स्टूडियो। चलो चलो उठो उठो तो फुटो, चलो चौधरी साहब आ गए तो मार मार के मुस्तफा पिंड बढ़ा देंगे, उठो। नहीं अभी रैम्बो। हाँ जी जी सर। रैम्बो के बच्चे जी। तुम लोग अपनी कमीनी अगराज के लिए कस्टमर के साथ चिपक जाते हो। हेलो बहू इधर, ये कमीना किसको बोला? कमीना तुझको नहीं बोला यार, पूछने में कोई हर जाए यार, क्या करे। ओए कौन है? अशोके अशोके जाने ना भाई। रैम्बो चलो अभी इसी वक्त, और अभी मैं इमरजेंसी मीटिंग बुलाता हूँ, गेस्ट हाउस की इंतजामिया का डिसिप्लिन सत्यानाश करके रख दिया। बल्ले भाई बल्ले। सजी चाय तो ठंडी होगी। मसला फिर वही तशखुस का है। ओए आप किधर इजी फील कर रहे हैं बगैर टीआईपी के? तशखुस तशखुस कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है जी, मैं अभी बाउनवीर से इसका मतलब पूछ गया तुम। इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि वो चैरिटी शो का क्या चक्कर था? अरे मेरे गाल पे इतनी जोर की चोट लगी हुई और तुम हो गए चैरिटी शो की। ओ है जी चोट लगी, दिखाना जरा। हाय अल्लाह जिगर की चोट गाल पे कैसे आ गई? वो तुमने सुना नहीं है, जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम। अरे ये चौधरी इनायत ने वो बाथरूम का मग्गा मेरे देकर मारा है। मग्गा? शुक्र करो शमीम, मग्गा ही मारा है, उसने मुग्दर उठा के नहीं मारा। ये सब का सब रैम्बो की वजह से हो रहा है, मुझे पता है। हाय मैं सदके जाऊं, मेरा मुंह बोला वीर रैम्बो, आखिर उसने मेरा बदला ले लिया ना। मैं अभी अभी इसी वक्त मीटिंग बुलाता हूं। आए आप अपना जो बिहेवियर है उसको सेट कर। छोड़ो यार ये चिमे का कोई एटीट्यूड है? अरे बस आज तो साबित हो गया कि अफसर को जो झाड़ ऊपर से पड़ती है ना वो नीचे माता है तो कुमंतर करता है। बिल्कुल ठीक है रेंज, शमीम साहब को झाड़ पड़ी है बेगम से और बुला ली इमरजेंसी मीटिंग फॉर डिसिप्लिन, कहते जी टीआईपी ना लो और कस्टमर के कमरे में बगैर इजाजत मत जाओ। ओए यार मुझे तो लगता है कि बेगम साहब ने आज मारा भी है, ये मुंह सूजा हुआ। अच्छा ये कोई बात है? हम कभी भी अपनी बुनियादी इजाजत सलब नहीं होने देंगे। बोनी साहब मुझे कहते हैं जी कि किसी से बात ना करो, जरा दो मिनट मुझे खामोशी से वेपर फेर के दिखाएं तो मैं मानूं। कहते हैं जी गाने ना गाया करो, एक्टिंग ना किया करो। बोनी साहब मेरा सांस ना घुट जाए, वो तो चाहते हैं कि अजीम एक्टर जो है वो बगैर चानस से ही ना दुनिया से उड़ जाए। यार तू तो उड़ जाए तो जान छूट जाए यार। ओए ऐसी बात नहीं करते। ओए रबू हाँ जी। ओए मैंने तुझे शोके के पास भेजा था कि जाके पता करके आओ कि ये कौन लोग हैं और कैसे आए हैं, तुम गए थे? हाँ जी। पता किया है? वो मैं भूल गया मुझे। उठ ओए फिटे मुंह, एक मेरी तरफ से। ओए मुरादे छोड़ो इसको, तुम जाके पता करो यार शोके से। मसला ये है कि 1 से 7 नंबर तक के जो कमरे है ना जी वो गलती से इनको मिल गए हैं यार, अगर मलक कुर्बान आ गया ना। कमाल है, मैं 7 कमरे देख के हूँ तुम यहाँ इजी फील कर रहे हो। एक बात तो बताओ तुम मलक कुर्बान को जानते हो, वो जो लाहौर वाले रंगमाल वाले? ओ मलक कुर्बान साहब को जानते हैं, वो हमसे 4 गिठ वाद है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो?
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मलक कुर्बान साहब के मुंशी ने टेलीफोन पे 7 कमरे बुक कराए थे जिनमें तुम ठहरे हुए। यार एक बात है, तुम्हें चुपके से दूसरे कमरों में तब्दील ना कर दे। मारे गए चौधरी नायत और मलक कुर्बान का आपस में खानदानी झगड़ा है, जिदाद की दुश्मनी है। हम फुल बेंच के सामने आए हैं, मेरी जान फुल बेंच के सामने। नहीं नहीं एक बात बताओ कि ये लाहौर से तुमने फोन पर क्यों कहा था कि जी ये कमरे 7 कमरे मलक कुर्बान के लिए बुक कर दो? किसने फोन किया? अच्छा अच्छा अच्छा, गलत फहमी होगी तुम्हें, असल में शौका ने फोन किया होगा। ओ मेरा नाम शौकत है, मुझे शौका कहते हैं, उसका नाम शाका है। शाका अशफाक से शाका, गलत फहमी हो गई है। शमीम साहब तो नवीद बाबू को इजी फील करा देंगे, जानी दुश्मनी तो लंबी गड़बड़ होगी। यार सुनो, तुमको चुपके से ना दूसरे कमरों में तब्दील कर देते, क्या ख्याल है? अल्लाह का वास्ता है, मलक साहब को किसी तरह रोको वरना बड़ा खून खराबा होगा इधर भाई। खून खराबा? हाँ। आपकी पेमेंट सर कल इंशाल्लाह हर सूरत हो जाएगी। देखें जी जरूर कर दिएगा, कल भूलना नहीं है आपको। आने जी नहीं। हेलो जी, वेलकम गेस्ट हाउस। कौन? मलिक कुर्बान साहब नहीं आ रहे? तमीज से बात करें। आ रहे हैं क्या? 15 मिनट में आ रहे? उठे तो नौकरी से छुट्टी? नहीं नहीं आपसे नहीं कहा जी, ठीक है। ओए वो मलिक कुर्बान आ रहे हैं तो बहुत नवीद, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? 9 नंबर पहले खाली है और 7 और 11 शाम तक खाली हो जाएंगे, 7 कमरे पूरे हो जाएंगे। ओए वो मलिक कुर्बान? मैं कुर्बान? सारा गेस्ट हाउस इजी फील करने वाला है, मलिक कुर्बान और चौधरी अनायत की खानदानी दुश्मनी है। आप ऐसा करें, मलिक कुर्बान को टेलीफोन पे कहें जी हमारे गेस्ट हाउस में सैलाब आ गया। नहीं नहीं आप ऐसा कहेंगे, उन्हें कहें जी हमारे गेस्ट हाउस में आग लगी। बस क्या बकवास कर रहे हो, वो पहुंच रहा है यार, खानदानी दुश्मनी से बाद में निपटेंगे। अच्छा तुम ऐसे करो, ये जो स्टिकर है ना, ये सारे ये जाके गेस्ट हाउस के कमरों के नंबर बदल दो, 1 से 15 के बजाय ना 15 से 1 कर दो। चलो चलो शाबाश। तो अगर आगे से शमीम साहब मिल गए तो फिर? ओ यार छीमे से बाद में निबड़ लेंगे, तुम चलो 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 ठीक है। ठहरे जी, आप रेम्बो को समझा दें, ये ना हो ना वो। और समझा दूंगा यार मैं। हां जी अंदर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जी माय नेम इज रेम्बो, रेम्बो जान रेम्बो कॉकरोच किलर, और ये मिस्टर नवीद माय मुरीद। जाने मन अजीज मन शाके की जान, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं शाका लोड़ो, ये मेरे मालिक मलिक कुर्बान, सलाम करो। सलाम अलैकुम जी। और शाका साहब आपकी बुकिंग है जी, 5 कमरे आपको अभी मिल जाएंगे जी, और दो कमरे जो है ना जी उनकी वायरिंग शॉर्ट हो गई है, तो वो इलेक्ट्रिशियन आ रहा है 3 बजे तक आपको दे देंगे। वायरिंग शॉर्ट कब? अभी तो 2 मिनट पहले मैं सारे कमरे ठीक करके गया हूँ, वायरिंग तो ठीक थी, ये कब शॉर्ट हो गई? एंटीबीडी। चलो सामान लेके जाओ। चलो नहीं नहीं बाबू नवीद साहब, उधर वायरिंग से आग लगी होगी, मैं हमें चला जाऊं, मुस्तकबिल का हीरो आग में कूद जाए, क्या कह रहे हैं आप? ओ बड़ी अग्गे देखिया हमने, अगे लगा बकरी। ओ ये बकरी किसे का है? आफ्टर कार माय नेम इज रेम्बो, रेम्बो जान रेम्बो कॉकरोच किलर। शाके की जान, ये रेम्बो का मतलब क्या होता है? बदमाश, बहुत बड़ा बदमाश। हाँ शाके, ओए सामान के साथ इसे भी कमरे में ले चलो, बाकी बदमाशी वहां निकालेंगे। चलो मैं अंग्रेजी रेम्बो हूँ, बदमाशी निकाले, मुझे हाथ लगा के कोई दिखाए। सामान इसके ऊपर रखो और चुक लो इनू। बारी बारी एक एक आए, मैं सबको मैं रेम्बो इजी फील करता जा रहा है। ये तो उनसे भी ज्यादा खून खा रहे, अब क्या होगा? होना क्या है, खून खराबा, लाशें, चाकू, हॉस्पिटल। इमरजेंसी का नंबर नोट करो। नहीं जी मैं तो कल से छुट्टी भी हूँ जी। बेटे सच सच बताओ, असल किस्सा क्या है? सर जी वो कुछ नहीं, ऐसे ही जरा एक असल फैट का सीन था जी, तो इसमें फर्क सिर्फ यह था जी, हीरो को थोड़ी सी मार खानी थी तो वो मैंने खा ली है जी, थोड़ी सी। छुपाना चाहते हो, चलो तुम्हारी मर्जी। नहीं सर जी छोड़े जी, आप मुझे ये बताएं, वो आप जो करते हैं ना तशखस जो करते हैं ना, तशखस? हाँ जी, वो जरा समझाएं जी क्या होता है। बेटे तशखस होता है, हाँ जी, बहसियत इंसान अपने आप को पहचानना, और बहसियत कौम अपनी शिनाख्त करवाना। सर जी आप जरा इस पे लाइट डालें जी, रोशनी जरा डालें। देखो बेटे जी, हमें मालूम है कि हमने ये मुल्क
कितनी तवील जद्दोजहद के बाद हासिल किया है, लेकिन 45 वर्ष गुजरने के बावजूद हमें यह मालूम नहीं हो सका कि हमने करना क्या था और कर क्या रहे। सर जी, आपकी ये बातें बड़ी औखी हैं जी, मुझे समझ नहीं आती। वैसे सर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ जी, आपकी ये जितनी बातें हैं इन पे मैं अमल जरूर करूंगा। ये देखें सर जी, एंड आई एम आल्सो सिपाही ऑफ द मुल्क। देखो मेरा नाश्ता इधर, और मेरे बंदों का नाश्ता कमरे में पहुंचाओ। यस सर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, माफी चाहता हूँ, मैंने पहचाना नहीं आप। जान पहचान तो हमारी हो गई, अभी अभी हम दोनों ने अल्लाह ताला से एक दूसरे की सलामती की दुआ मांगी। ये गेस्ट हाउस आपका है? नहीं सर जी, ये हमारे मालिक है ना जी, शमीम साहब, उनके अंकल हैं जी। अच्छा अच्छा, इसीलिए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आप ही की तरह मेहमान हूँ। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपके हकूक ऐसे तरीके से पूरे कर सकूं। गल कुछ पल्ले नहीं पड़ी। सर जी, ये आपका नाश्ता जी विदाउट TIP। तो जी, TIP का मतलब तो आपको आता है ना? बाथरूम की तरह है जी वो, इधर जाकर जी, इधर दाएं हाथ में। वाह क्या सर्विस है भाई, उधर आटा लगाओ, उधर नाश्ता तैयार। ये नहीं आप चौधरी न, तू मलक कुर्बान, तू इतने तीन बड़ों का साथ है, छूटता नहीं। छूटेगा कैसे, दुश्मनी है कोई दोस्ती तो नहीं है। रीस करने की आदत ना गई। पहले मैं आया, ये नाश्ता मैंने मंगवाया है, पहले मैं आया हूँ। हजरात, आप लोग नाश्ते के लिए लड़ रहे हैं भाई, आपने तशीर रखे, नाश्ता और आ जाए। जो साहब, आपका नाश्ता आपके कमरे में लग गया जी। सभी TIP की कसम जी, मैं खुद रख के आया हूँ की ईमान से। और ये नाश्ता है जी, और हम लाहौर से आए हैं, और लाहौर से आए हैं जैसे सारा लाहौर खरीद कर डब में रखा हुआ है। देखो मलक, वो तो बच देना जाओ। ओए फैट, असल फैट, किसी कुमक शुमक की लाहौर तो मैं मुहैया कर सकता हूँ। आप लोग जाएंगे, चले जी, ये आप तीनों चले, हम भी, आप चले, मैं यहाँ बात करने के लिए। आप सर वो आप बेटे, तुम चलो, मैं संभाल लूंगा। अच्छा जी, मलिक साहब, चौधरी साहब, आप दोनों के दरमियान मसला क्या है? अब मैं क्या बताऊं जी, इसी से पूछे। चौधरी साहब, आप ही बताइए। और छोड़ो जी, क्या सुबह सुबह मलक मथे लग गया, सारी दिहाड़ी गई खूह खाते। अदालत का डायलॉग भी जल्दी करो। मैंने कहा था कि आप ही को पेश करो। आओ जी चौधरी साहब। लगता है कबड्डी का मैच खेलने जा रहे हैं। नहीं नवीन साहब, ये अदालत में तारीख भुगतने जा रहे हैं। इन्होंने क्या भुगतना है, भुगतेंगे तो हम। बहुनवीद फिर डरा रहे हैं जी आप। यार ये जिद पसीदी, यहाँ इकट्ठे रह तो रहे हैं। हाँ? लेकिन इन्होंने इकट्ठे वापस नहीं जाना। वो कैसे जी, 14 आदमी है ना। हाँ? अब देखो मुकदमे के फैसले के बाद कितने वापस जाते हैं। नहीं, अगर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये सब लोग यहाँ इजी फील कर गए तो फिर गवाहियां तुम्हारे सिर पड़ जाएंगी ना जी। पता नहीं क्या होने वाला है यार इस गेस्ट हाउस में। चौधरी अनायत का दादा चौधरी जमाल और मेरा दादा बिश्ती मलक एहसान गूढ़े यार थे। ये कुछ 1948 की बात है। मेरे दादे बिश्ते ने चौधरी के दादे से एक दुकान खरीदी बाकिया डांग में, बयाना तय पाया 10,000 जो दे दिया, बाकी की रकम साल बाद देने का वादा। लेकिन चौधरी जमाल 6 महीने में मुकर गया और उसने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा चला, फैसला हमारे हक में हुआ। उसके बाद जब चौधरी जमाल फौत हुआ तो चौधरी अनायत के पियो ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट में भी मुकदमा चला,
फैसला हमारे हक में हुआ। अब चौधरी अनायत ने खुद बकलम खुद अपील दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो फैसला क्या होगा ये आपको पता है या मैं पता है या अल्लाह को पता है? बाकी अल्लाह नाल खैर से। चौधरी साहब ये असल किस्सा क्या था? ओ खुदा जानता है जी, ये मलिक जो है ना ये बड़ा झूठा है। ओ मेरे दादा बस्ती चौधरी जमाल ने जी, इसके दादा मलिक किसान से 10,000 रुपए पगड़ी ली थी दुकान की। हालांकि हमें उस दुकान के उस वक्त 50,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन दादा बस्ती ने इसको दोस्ती की खातिर रियायत की और ये सिला दे रहा जी हमें। हुआ क्या था? होना क्या है जी, मलिक किसान ने जाली कागजात बना के नहीं वो दुकान अपने नाम पे करा ली, फिर मुकदमेबाजी शुरू होगी और आपको पता है दीवानी मुकदमे तो लंबे चलते, और हाँ इस मलिक कुर्बान को भी जाली कागजात का इल्म है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती जी, इतने जरा से फायदे के लिए सब कुछ कैसे हो गया? खुदा जानता है जी, हमारे बुजुर्गों में बड़ी दोस्ती थी, अगर मलिक किसान मेरे दादा बस्ती से वो दुकान ऐसे ही मांग लेता ना जी, तो मेरे दादा बस्ती से एक आना लिए बगैर वो दुकान इसके नाम पे कर देते। मलिक किसान ने हमारे साथ धोखा किया जी, और आज ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम सच और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं जी। बस मुझे तो रात को डर के मारे नींद नहीं आ रही सच। क्यों, क्या हुआ? क्यों, कितने आराम से तुम पूछते हो क्या हुआ? वो तुम्हें पता नहीं है, रैम्बो ने मुझे बताया, रैम्बो ने बताया कि वो हमारा जो गेस्ट हाउस है ना अपना, इसमें वो होने वाली है वो शूटिंग मौला जट की। क्या, मौला जट की शूटिंग? क्यों? क्या मजाक बना रखा है दोनों ने? कल की है। नहीं, नहीं, मैं तो... एक मिनट। हाँ भाई भाई, बल्ले भाई बल्ले। नहीं मैं तो वो और बात कर रहा था, आपकी बात तो नहीं कर रहा था, मैं तो कुछ और कह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना, हमने झगड़ा बंद कर दिया, चलो इधर। शमीम तुमने कभी भीगी बिल्ली को देखा? नहीं देखा। नहीं ना, अभी जाके आईना देखो तुम्हें नजर आ जाएगी। ये सब मेरी आंखों का कमाल है। देखो बेगम मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है कि आज फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा तो हो जाए फैसला, मैं कौन सा डरती हूँ, मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज की किलकिल से। बस तुम्हारे दिल में या मैं रहूंगी या हाँ या वो, चलो निकलो। हाँ, तो चलो फिर, क्या निकलो क्या? अरे सबके टांगरी पहलवान, अब कभी बाहर निकल के देखो। हाँ? वो संभाल कर गल कर चुची बदमाश, अरे अल्लाह ची दाने, और जब भी दुड़क लगवाई हमने लगवाई है। मेला चरागा की गिदड़ कुट पल के आए, अरे बक नहीं है गलत। संत वाले दिन का वो मुकाबला याद कर जब हमने तुम्हारी दूर से गुटी काटी थी। हाँ उस दिन आई बहुत चल रही थी मेरी जान। हेलो अजी डीआईजी साहब, अजी गेस्ट हाउस का अपना वाहन तो ठीक है जी, अब बस जी दो बंदे अजी बन गए हैं जी बंदे। हाँ जी ठीक है जी, खुदा हाफिज। अब लगाओ बड़क सामने आ। ओ मलिक साहब कह रहे थे तुम अदालत से वापस ही नहीं आओगे। चौधरी साहब कह रहे थे तुम अदालत तक अपड़ ही नहीं पाओगे। उठो आराम ना बैठो, तुम चलो अपने कमरे में जाए। बुजुर्ग आ गए नहीं तो छोड़ता नहीं मैं। हाँ चल जी सर। ओए पास आके, ओए पतंग। खबरदार है शाके की जान, मेरे होते हुए तुम पतंग को हाथ भी नहीं लगा सकते। आफ्टर कार मैं एमएस रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो कैट स्पेशलिस्ट। जवानो मुकदमे की तारीख में 3 दिन रह गए। फैसला अपने ही हक में होगा,
आपकी मेहरबानी से। ओ शाके, वो पतंग और वो भी इस्लामाबाद में, औला दिखाओ जरा। मलक साहब वो काटो के आई है जी। अच्छा दिखा जरा। वे वो काटा तो नहीं थी, वो इसकी तो तड़ाने ही ठीक नहीं है। ओए मलक, ओए बचपन का शौक गया नहीं अभी तक? दो ही शौक है, एक पतंगबाजी का और दूसरा दुश्मनबाजी का। जाए, तूने क्या दुश्मनी करनी है? पतंगे उड़ा कर पतंगे। पिछली बसंत भूल गया, जब डूढ़ सौ पतंगे काटी थी, अब मैं कदमे में भी चारों छाने चित करूंगा। वो तू मेरे साथ पतंगबाजी करेगा? मुंह धो के आ, मुंह धो के। गर्मी ना दला चौधरी, गर्मी ना दला। ऐसे तो ऐसे ही सही, कसम रात पाक की, अगर तू मुझे पतंगबाजी में उड़ा दे तो मुकदमे वाली जायदाद तेरी। हार तेरा मुकदमा रहा मलाक। बकाटा देखे ना अंकल, अब ये फ्रॉड है ना, है ना फ्रॉड है ना। मुझसे कहा कि मैं वहां एक दिन के लिए जा रहा हूँ अपने मामू की मजाक परसी के लिए, और आठ दिन कोई चैरिटी शो होता है? कोई शो होता है? बेटे तुम तो यहाँ थी, तुम्हें किसने बताया? मुझे बताया मेरी एक मॉम पे, एक सहेली गई हुई थी वहां पे अपने शोहर के साथ, तो मुझे फोन पे बताया। बेटे सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, यकीन जानो शमीम बहुत अच्छा इंसान है। हाँ पता नहीं अच्छा होगा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं आपको नहीं पता, दूसरों के लिए अच्छा होगा ना, मेरे लिए कंजूस मक्खी जूस। हाँ जी, शिकायतें हो रही होंगी चाचा यार हमारी गिले शिकवे। नहीं नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा क्यों बेटे राहिला, ऐसी तो नहीं कोई बात बेटे, बल्कि राहिला तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ए, मेरी तारीफ कर रही? हाँ, कह रही थी कि शमीम बहुत पुरखलूस वफादार और नेक दिल शोहर है। अरे वाह, अरे वाह बेगम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा मेरे लिए प्राउड ऑफ यू, और वो? अरे वो गोली मारो उसे जी। शमीम अब तुम कायम रहना अपनी बात पे। अच्छा गोली मारो का है? आप गवाह है ना। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ, सुपर मार्केट चलते हैं अभी। मलक का चैलेंज कबूल किया तो पीछे नहीं हटेंगे। तू शाम की फ्लाइट से लौट जा और रात से पहले पहले पतंगे लेके आ। ओ गल नहीं कोई नहीं चौधरी साहब, मैं अभी लौट जाता हूँ, और जाते ही उस्ताद नथू प्यारे खान और भोले शाह से चुन चुन के पतंगे लाता हूँ, आला नस्ल की। चौधरी साहब आप फिक्र ही ना करें, पर दौरे हम अपने सामने लगवाएंगे। पेड़ मजा आएगा ना अब काटा। अच्छा आता घर तुम प्याट पतंगे भेजनी है, खराब कोई ना हो, नहीं मैं शाकू को भेज रहा हूँ। हो बाबे पड़वे से ले दे यार, बाकी फिर बात करूंगा। शाके पुत्र तू अपने इसी रात की फ्लाइट से ना लौट चला जा, और डेढ़ किस्म की पतंगे लेकर। मलक साहब 65 गिट्ठी शत्रु भी साथ, और तीरे सलारा सरखाब भी। ओ गालड़ बढ़िया भूल गए हो। पाजी मैं तो कहता हूँ नड़े यही मंगवा लें, और अपने सामने फ्लैती मांझा लगाने के मर्जी का। मलिक साहब बड़ी कीमती सलाह है जी, नड़े मंगवाए 50 घोड़े 60 असले और 8 चैन भी। ते फेर ते क्या काटा? और तेरी बात नहीं काटे बो काटा, जहाँ गेस्ट हाउस में शाके की जान पतंगबाजी का मुकाबला हो रहा है। पतंगबाजी ही नहीं था गया गेस्ट हाउस, फिर तो प्लाटिनियम जुबली खिड़की तोड़ हफ्ता उसका वैसे हीरो फिर मैं होऊंगा। अनुनारोल बोल देवनागदर जाए तेरे है गया।
वो ये क्या हो रहा है? किथे रह गया सन दोरा किथे? ओए जी सर, और ये क्या हो रहा है? सर जी आपको नजर नहीं आ रहा जी, मैं डोर सूत रहा हूँ जी। और क्यों सर जी? कल इधर पतंगबाजी का मुकाबला है ना जी गेस्ट हाउस में। ओए शमीम साहब की मीटिंग भूल गया है, छुट्टी करवाएगा हम सबकी? सर जी एक तो आप बड़े यरकोटी हैं जी, कुछ नहीं होता, सारे ना जी इधर मुकाबला कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं बस। भाई तू क्या पतंगबाजी करेगा है? एक पतंग तो तू खरीद नहीं सकता। बोनवीर साहब गरीब आदमी को जरा सी खुशी मिले ना तो आप सर के एवं कोला हो जाते हैं। मैं पतंगबाजी करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, भावे मुझे गुड्डी लूट के करनी पड़े। भाई ये तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, मसला क्या? और सर पतंगबाजी का मुकाबला हो रहा है जी। अच्छा तो गोया अब मुकाबले कागजी ही होंगे, जिंदगी के असल चैलेंज का मुकाबला हम कर नहीं सकते। हकीकत जब बहुत तलख हो जाए तो इंसान तखयलाती दुनिया में पना लेता है। मसला फिर वही तशख्स का है, दरअसल हम अपने चेहरे पहचानने से भी डरते हैं। वो सर जी पता नहीं आप क्या कह रहे हैं जी, हम तो सिर्फ खेल 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 रहे हैं बस। मैं भी यही कह रहा हूं बेटे, हम खेल ही तो खेल रहे हैं। ओ शाके तैयारी मुकम्मल है ना, ओए कहीं मड़वा ना देना, ओए लाखों की जायदाद और करोड़ों की टाट दांव पे लगी हुई है। मलिक साहब शाके की जान आसड़, पतंगे भी एक से बढ़कर एक हैं और डोड़े लोहा है लोहा। पर देख मैं खेल मैदान में जीतने का कायल हूँ, खेल में विद्यार्थी पसंद नहीं करता। कबड़ा है ना मलिक साहब, गली कोई नहीं है। हाँ क्या कह रहा था? कह रहा था दुश्मन की तैयारियां बड़ी पक्की हैं, पर आप शाके में छोड़ दे। रेनबो पा आज जरा जसूसी कड़क तू वखा। माय नेम इज रेनबो, रेनबो जान रेनबो 007 सिपाही हूं फेंटन में। बॉस मिशन क्या है ये पता लगा? ओह तू क्या पता लगाएगा भाई? ओए ये पता लगा कि दुश्मन के पास असला कितना है और गोला बारूद कितना है। बॉस जरा खुल के बताओ। ओहो इससे ज्यादा नहीं खुल सकता भाई। ओ मेरी जान ये पता लगाना है कि मलिक साहब के पास पतंगे कितने किस्म की हैं और डोरे कहाँ कहाँ से और किस किस किस्म की ली हैं उन्होंने बस। यस बॉस। शाबाश रेम्बो। ओए ना तू मुझे ये किन कामों में लगा रहा है? क्या हुआ? सीधी तरह से खेलना है तो खेलो, ये फैल फैल करने की क्या जरूरत है? देखो गोल करना है ना तो फील्ड गोल करो, ये गिट्टों पे हकी मत मारो। शाबाश भाई रेम्बो शाबाश। लो ओ शौके ओ चालबाजी ना करो, ये पतंगबाजी का मैच सही असूलों पर खेला जाएगा। हां जी चौधरी साहब, मलिक साहब को जानते हैं आप? हां मुझे पता है, वो एक बहादुर दुश्मन है, वो मेरा मुकाबला मैदान में करेगा, मैदान से बाहर कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे करो है, अपने बंदों को ले जाकर नाश्ता लेकर आ, मैच का टाइम होने वाला है। ये सब कहां चले गए? इतना भी ऐसा बड़ा तो खुदा के पैसे डाले। टिल दे के पाशो के टिल दे के टिल दे के शाबाशो के पाशो के टिल दे के कड़े आयशा के टिल दे के
ये दसवीं पतंग है तुझे मलकों से कटवाते हुए। और फिर क्या हुआ चौधरी साहब, आठ पतंगे कटी हुई तो है ना। अरे अपना स्कोर बराबर रखने की कोशिश कर। बहुत अच्छा, फिकड़ी ना करे। चलो ए, आठ नंबर का चेन पिना ले आओ। चलो फटाफट। अच्छा आप देखे, आप देखे, आ देखो। रेमो की उंगली इजी वीली कर गई है। अगर एक हाथ जख्मी हो गया ना, आप दूसरे हाथ से उड़ाओ। नहीं नहीं, मैं उड़ाता हूँ। नीचे ये पकड़े जी। चलो रेमो, बाउंड्री ये पकड़ो रेमो। चलो काम शाम करो, जाओ उड़ा रहे। अब नीचे चल के पतंग लूटते आ जा। फाइनल स्कोर क्या हुआ है? शाके की जान ना सरजी, 41 काटी है और सिर्फ 29 कटवाई है। चला मुरादे, ओए परियल, ओए बॉडी डोरों के साथ हवा मिट्टी। अभी लूटने छोड़ दे, नहीं छोड़ जा, हट जा, चल। ये क्या हुआ है तुम दोनों को? बाबूजी साहब, ये ना पतंगबाजी के ना बिफोर इफेक्ट हो गए हैं, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हुआ क्या तुम दोनों को? वही जी बाबूजी साहब, ये ना ये गुड्डी लूटते हुए गटर में गिर गया था। अच्छा, गटर में जिसने बाबूजी गटर में गिरना था ना, वो गाड़ी से टकरा गया, मैं गटर में गिर गया, ये गाड़ी से टकरा, गाड़ी को पड़ी वही गुजी चोटें आई। गाड़ी को नहीं, मुझे गुजी चोटें आई हैं। वैसे बावनी साहब आप किधर हैं? हाँ, आपको तो पता है ना गुजी चोटें क्या होती हैं। अब बकवास ही करो, तुम दोनों को शमीम साहब बुला रहे हैं, चलो जाओ। अच्छा, मुझे तो नहीं, वो मुरादे तू ऊपर से हो क्या? और नहीं नहीं, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ नहाने के। अच्छा अच्छा, परफ्यूम की बड़ी बोतल डाल के ना पानी में, कुछ 10 दफा नहीं फिर ये बो जाएगी। हाँ तेरा तजर्बा ही बहुत है। ओए ओए अपना रेबो, अजी तुझे तो बहुत छोटे आई हैं। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। नहीं साहब, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, वो बड़ा महंगा होता है, मैं और बीमार हो जाऊंगा। छोड़े, इधर मेरा एक दोस्त है कंपाउंडर ना, उसके पास मैं जा रहा हूँ। ठहरे यहाँ और करो पतंगबाजियां। बेटी मसला जाती नौयत का नहीं है, मसला कौमी तशख्खुस का है। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे किसी फेल से हमारा कौमी तशख्खुस मजरूह ना हो। आवाजें कैसी आ रही है? मेरा ख्याल है वो चौधरी और मलिक लोग ना वो छतों से नीचे उतर रहे हैं। वो छतों से नीचे तो जरूर उतर आएंगे, मगर अपनी झूठी अना के चबूतरों से नीचे नहीं उतरेंगे। पता नहीं मुकाबला किसने जीता होगा। मुकाबला जिसने भी जीता हो, मुकाबला जीतने का ये अंदाज निहायत भोंडा है। आखिर एक हारने वाला फरीक भी तो होता है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हारने वाले फरीक भी इसी गेस्ट हाउस के मुकीम हैं। ठहरो,
तुम किस हिसाब में बंगला डाल रहे हो? तुमने तो मुकाबला जीता ही नहीं। पर आटा, हमने मैदान मारा है। मैदान नहीं, मैदान से बाहर जीते हो तुम। फॉल किया तुम लोगों ने। क्या मतलब है भाई? मतलब शाके से पूछें, जिसने मुझे रिश्वत दी थी चौधरी साहब की डोर को कुड़कियां लगाने के लिए। ओ मुराद, ओ मुराद, तूने कुड़कियां लगाई हैं? हाँ सर, वो मैंने ऐसे जी, वो ऐसे करके जी, ऐसे करके ना जी, तो बहुत सारी कुड़कियां लगा दी जी, जो चौधरी साहब की सारी पतंगे वो काटा हो गई जी। ओए ओए, तू अपनी बात करना। सर मैं अपनी बात क्या करूं जी, गरीब आदमी को सिक्कों की रोशनी से वक्ती तौर पर अंधा तो किया जा सकता है जी, लेकिन गरीब आदमी का जमीर तो नहीं ना सुलाया जा सकता जी। सर जी देखें जी, वो ये नोट जो रिश्वत दिए थे इन्होंने जी, जब से मेरी जेब में थे जी, सर मुझे नींद ही नहीं आई जी, कसम खुदा की। एक रेम्बो है, ये सब मुझसे पूछे बगैर लौके ने मलक के खिलाफ खरीदने की कोशिश की, लेकिन अफरी ना होए रेम्बो ने बिकने से इनकार कर दिया। हाँ! ओ शाके, और तुझे कहा था कि मैं मैदान में जीतने का कायल हूं, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जा। वह जदाद कल भी तुम्हारी थी, वह जदाद आज भी तुम्हारी है। वह शाके जैसे सलाहकारों ने मुझे अपने पड़ाव से दूर रखा, वह यार कलेगा लग जाए। ओ यार, ओ तेरा सच बोलना ही सबसे बड़ी टिप थी है। ओ किधर जा रहे यार, मेरे गले लग। ओ तेरा देखा देखा शमीम, कैसी गेस्ट हाउस में इस वक्त ईमानदारी की लहर दौड़ रही है। तुम भी अब जरा वो मजाक कर रही थी वैसे। हम सुबह के भूले हुए हैं, शाम के भटके हुए नहीं। चलो भाई, अब लगाओ ठेका।